इंडिया जीके में आपका स्वागत है। आज हम भारत के जीके के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से और रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर जानने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट करते हैं। भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हैं? भरत चक्रवर्ती से। राइट आंसर भरत चक्रवर्ती। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के शासक थे। अशोक मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर मुंबई। कलकत्ता से हुगली नदी निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट आंसर 28। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और गंडकी नेपाल की नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। सईद मीनार जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी ने सारी सुरंग। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। राइट आंसर। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1916 में, जो बम्बई में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? SNDT महिला विश्वविद्यालय जो बम्बई में स्थापित है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बम्बई में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का कौन सा नाम है? कमलजीत संधू। लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचन त्रिपाल। राइट आंसर कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। आज की क्लास के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।